कश्मीर के बारामूला और अनंतनाग के कुछ इलाकों में फिर भड़की हिंसा, सेना ने संभाला मोर्चा। सेक्स सीडी केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने भेजा 14 दिन के लिए जेल। पटियाला हाउस कोर्ट में माल्या के वकील की दलील, कहा भारत वापस आना चाहते हैं विजय माल्या। घूसकांड में आया नया मोड़, बीएमसी ने कपिल शर्मा पर लगाया अवैध निर्माण का आरोप, कहा पूरे मामले की कराएंगे जांच। दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती कॉलेज की सभी 7 सीटें एनएसयूआई ने जीती, एबीवीपी को करारा झटका। किसान महायात्रा के चौथे दिन अयोध्या में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, हनुमान गढ़ी मंदिर में किए दर्शन, नहीं गए रामलला। तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज कर्नाटक बंद, सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात। फ्लेक्सी किराया फार्मूले से बीजेपी नाराज, रेलवे मंत्रालय ने दिए फैसले पर पुनर्विचार के संकेत, लेकिन मध्यम वर्ग के नाराज होने का खतरा। पेप्सिको की सीईओ और चेयरमैन इंदिरा नुई को फॉर्च्यून की 51 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में मिली जगह, लिस्ट में एकमात्र भारतीय। और यूपी के प्रतापगढ़ में 24 घंटे के भीतर फायरिंग की 3 वारदातें, 2 लोगों की मौत, 3 जख्मी, सवालों में पुलिस की कार्यशैली।